हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंस्टा निवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आरडी और एफडी से ऊपर हटकर बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, पर उन्हें इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। और जैसा हर जगह बताया जाता है कि अगर आप बॉन्ड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तब आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको इस सीरीज़ में डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ सरल भाषा में मिलेंगी जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा रिटर्न भी कमा सकें। आज पहले भाग में हम जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पहले बॉन्ड्स ही क्यों शुरुआत करी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेट फंड का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉन्ड ही होता है। दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड्स का उतार चढ़ाव जानने के लिए आपको बॉन्ड्स के फंडामेंटल समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप बैंक एफडी के बारे में तो जानते ही हैं, तो समझने के लिए आपका ये एफडी एक प्रकार का सिंपल बॉन्ड ही है। अब मान लें किसी कंपनी या बैंक को अपना एक्सपेंशन करने के लिए या अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वह कंपनी एक ऐसी स्कीम लेकर आती है कि आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वह आपको एक तय समय के बाद किसी फिक्स रेट पर ब्याज अदा करेगी। अब आप बन गए उस बैंक को लोन देने वाले, और वह भी एक फिक्स इंटरेस्ट पर जो आरबीआई डिसाइड करता है। अब मान लें कि आगे इंटरेस्ट रेट घट जाए या फिर बढ़ जाए या फिर बैंक का प्रॉफिट कम हो जाए, अधिक हो जाए, तब भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बैंक ने इसका वादा जो आपसे किया है। यही है एफडी या आरडी का कमाल, और इसीलिए इन्हें फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब आइए जानते हैं बॉन्ड्स के बारे में। दोस्तों, मान लें आपको कोई पैसे की ज़रूरत है और आप अपनी एफडी को बीच में ही तोड़ना चाहते हैं, तब कई बार आपको काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बैंक इसके लिए मना भी करते हैं और कई बार वो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी लगाते हैं। तो इसका क्या सलूशन है? अब एक दूसरा केस ले लें। मान लें आपकी जो एफडी है वो अगर मार्केट में ट्रेड होने लग रही है तो क्या होगा? तो इस दशा में आप अपनी एफडी किसी और को बेच सकते हैं, और वह भी मार्केट प्राइस पर, और जब भी आपका मन करे तब भी आप उसे बेच सकते हैं। है ना मज़ेदार बात? पर इसका कुछ प्रॉब्लम भी है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि वो क्या वैल्यू होगी जिस पर हमारा यह एफडी या जो यह बॉन्ड है वो ट्रेड करेगा। देखिए, ट्रेडिंग होने के बाद आपका बॉन्ड मार्केट के अधीन हो जाएगा, और अब उसमें बदलते इंटरेस्ट रेट के साथ प्राइस में भी उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस आने लगेंगे। कैसे, आइए आपको समझाता हूँ। मान लें आपने एक एफडी करी है, और जिस टाइम आपने एफडी करी है उस टाइम में इंटरेस्ट रेट था 7%। अब कुछ ही दिनों बाद मान लें कि इंटरेस्ट रेट घट करके 6.5% हो गया, मतलब आधे परसेंट की गिरावट हो गई। अब इसके क्या मायने हैं आपके लिए? अब इस दशा में आपकी एफडी की वैल्यू अधिक हो गई, क्योंकि अगर आज की डेट में कोई मार्केट में यही एफडी करेगा तब उसे 7 की जगह 6.5 का रेट मिलेगा। तो अब मार्केट में आपकी एफडी या यूँ कहें बॉन्ड खरीदने के लिए आपको लोग अधिक पैसे देंगे। अब मान लें कि अगर समय के साथ साथ इंटरेस्ट रेट और डाउन जाता है तब आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका उल्टा केस ले लेते हैं। मान लें अब इंटरेस्ट रेट बढ़कर 7.5% हो गया, तब क्या होगा? अब तो मार्केट में ही अधिक रेट वाले बॉन्ड्स मौजूद हैं, तब कोई आपका कम रेट वाला बॉन्ड क्यों लेना चाहेगा? इसलिए अगर आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट वाले सिनेरियो में अपना बॉन्ड बेचेंगे तब आपको घाटा हो जाएगा। तो हमें यह समझ आया कि बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। तो चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं जो हमने सीखा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब आपका रिटर्न डाउन हो जाएगा, वहीं जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तब बॉन्ड्स में बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। इसका मतलब है कि आपको बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए जब आगे इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना रहे। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। तो देखा आपने, ये नॉर्मल एफडी के बिल्कुल ही उलट हैं, जहां बढ़ते या घटते इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर उस कंपनी या बैंक के रेपुटेशन या फाइनेंसेस ख़राब हो जाएं तब बॉन्ड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
मान लें आपने जिस बैंक से बॉन्ड लिया है उसके बारे में कुछ खराब न्यूज़ आ जाती है, जैसे उसने किसी को पैसा लोन दिया है, उसने डिफॉल्ट कर दिया और बैंक के पैसे उसने नहीं लौटाए, तो इस दशा में क्या होगा कि कंपनी के फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे और कंपनी को घाटा सहना होगा। एक प्रकार से इसे कंपनी या बैंक की साख को भी खतरा हो सकता है। इसी चीज़ को हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कोई आपका बॉन्ड क्यों खरीदेगा, या फिर वह आपकी बॉन्ड्स के बहुत ही कम दाम देना चाहेगा? क्योंकि बैंक की माली हालत अभी ठीक नहीं है और इस तरह आपके बॉन्ड्स का दाम डाउन होता चला जाएगा। वहीं अगर कंपनी या जो बैंक है वह प्रॉफिट कर रहा है और उसके सभी फाइनेंसेस भी ठीक हैं, तब उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया होती जाएगी और इस तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग अगला वीडियो क्रेडिट रेटिंग के बारे में लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप यह जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग कैसे दी जाती है और इसके क्या मायने होते हैं। तो हम फिर से बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क को समराइज करते हैं। अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड्स की रेटिंग कम होती जा रही है, तब आपको घाटा होने की संभावना है। हालांकि कई लो रेटेड बॉन्ड्स हैं जो बहुत अधिक रिटर्न्स देते हैं, पर उनमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत अधिक होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाई क्रेडिट रिस्क का मतलब सेफ्टी से होता है और इसका मतलब प्रॉफिट की संभावना इनमें अधिक होती है। यहाँ यह जान लें कि नॉर्मल एफडी में क्रेडिट रेटिंग का कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉन्ड्स का मतलब समझ आ गया होगा। बॉन्ड्स एक प्रकार का लोन है जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं एक इंटरेस्ट रेट पर इसका हिसाब किताब नॉर्मल एफडी जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉन्ड से रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसे कूपन रेट कहा जाता है। बॉन्ड्स का रिटर्न स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है, पर यह सेफ अधिक होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और आप डेट मार्केट के बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं। ऐसे ही निवेश से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंस्टा निवेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।